कांग्रेस पार्टी बनारस में दो गुटों में बटी है। यह हम नहीं पार्टी के अंदर खाने से बाहर आ रही बातें इसकी पुष्टि कर रही है। कांग्रेस के जय भारत महासंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में काशी आए यूपी के सहप्रभारी राजेश तिवारी ने अभियान के समाप्ति के बाद संगठन के लोगों के साथ बैठक किया है। इसमें कार्यकर्ताओं के पेच भी कसे हैं, वहीं उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया भी है। इसके लिए वह पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के खजूरी स्थित आवास पर भी गए थे, जहां वह नाराज कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात किए हैं, उनकी नाराजगी भी जानी है, उनके बाद नाराजगी को दूर करने के लिए भरोसा भी दिया है। इसके बाद पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से अकेले में 10 मिनट तक बातचीत किया। इसके बाद महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे से पूर्व सांसद से मुलाकात भी कराया है। बता दें कि रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के बाद मंत्री राजेश तिवारी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का संदेश सुनाते हुए कहा है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी कार्यकर्ताओं का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। उनका साफ कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में कार्य करें, आपस में कोई मतभेद न रखे। बता दें कि मानमौले के बाद मंत्री राजेश तिवारी ने अप्पू भाई और लाल चंद्र शर्मा, उमाशंकर शुक्ला, विनय उपाध्याय, नीरज पांडे, अजय सिंह और सुफियान अहमद, आशीष सिंह, प्रभात वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुनः उनके पद पर बिठाया है। वहीं बता दें स्वतंत्रता दिवस के दिन पार्टी का एक कार्यक्रम पीली कोठी स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक को आमंत्रित किया गया था। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि एक मंच पर दोनों कैसे आएंगे। दिलचस्प माहौल के बीच अचानक मामला तब गर्मा गया जब पूर्व सांसद कार्यक्रम में आए और पूर्व विधायक की गाड़ी देखकर बैरंग वापस हो गए थे।